चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स ए बी की पावर 4 डब्ल्यू बी स्क्वायर वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार। यहां पे मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है दैट इज डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यहां पर क्या कहता है, डब्ल्यू का मतलब क्या है? तो यहां पे आप देखिए डब्ल्यू क्या कहना चाह रहा है, डब्ल्यू मीन्स डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार। ठीक है, इट मीन्स डब्ल्यू इज एनी स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी। ठीक है, डब्ल्यू यहां पे कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ए बी, मतलब ए बी को लेके हमें यहां पे हम कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। कहने का ये मतलब, अगर जिस तरह से हमने यहां पे डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार लिखा है, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, अगर मैं लिख दू डब्ल्यू बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, जिसको आप इनपुट अल्फाबेट बोलते हो, और सिग्मा स्टार के अंदर हमें पुट करनी है वैल्यूज ए और बी को लेकर, मीन्स सबसे पहले अगर हम यहां पे मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ओके, देन सिंगल ए बी हम ले सकते हैं, देन सिंगल बी का भी यूज कर सकते हैं हम। उसके अलावा मैं डबल ए डबल लेंथ वाली स्ट्रिंग को भी ले सकता हूं, उसके बाद डबल बी का भी यूज कर सकता हूं। ओके, देन ए बी, उसके बाद बी ए, देन आप थ्री लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज करना चाहो उसको भी कर सकते हो, ए ए ए, यहां भी मैं ए बी ए, इस तरह से करते करते मैं बी 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 तक जा सकता हूं। उसके बाद अलावा अगर आप चाहो तो फोर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए बी बी ए, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। मीन्स कहने का ये मतलब ए और बी को लेकर हम कोई भी स्ट्रिंग यहां पर यूज कर सकते हैं और वो स्ट्रिंग हमें पुट करना होगा डब्ल्यू के अंदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू एंड हियर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार। ओके, तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की, क्योंकि डीएफए ड्रॉ करने से पहले हम डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मिनिमम से मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं। अगर हम यहां पर लिखे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो मिनिमम से मिनिमम लेंथ यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पे W में मिनिमम से मिनिमम क्या पुट कर सकते हैं, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है एप्सिलॉन, तो अगर हम यहां पे एप्सिलॉन पुट कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए बी की पावर 4 बी स्क्वायर, सिंपल, ए बी की पावर 4 एंड बी स्क्वायर, ये हो गया मेरा मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग। उसके बाद मैं डब्ल्यू के अंदर कुछ पुट करना चाहूं सिंगल टर्म, अगर हम सिंगल लेंथ की बात करें सिंगल ए सिंगल बी इसको भी पुट कर सकते हैं, तो हम यहां पर ए बी की पावर 4, अब W के अंदर मैं पुट करता हूं सिंगल A, तो क्या हो जाएगा A, फिर उसके बाद B स्क्वायर एज इट इज। उसके अलावा अगर आप चाहो तो हम आप पुट कर सकते हो A B की पावर 4 देन B सिंगल B पुट कर दीजिए, उसके बाद B स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया हमने, देन A B की पावर 4, आप कुछ और टू लेंथ थ्री लेंथ कुछ भी आप पुट कर सकते हो, मैं टू लेंथ की अगर हम बात करें तो बी ए और बी स्क्वायर, उसके अलावा ए बी की पावर 4 देन थ्री लेंथ की हम बात करें ए बी बी देन बी स्क्वायर, ये हो गया। उसके अलावा ए बी की पावर 4 देन बी ए बी ए ए बी स्क्वायर, और इस तरह से हमारी स्ट्रिंग्स चलती जाएगी। ओके, तो जो हमने यहां पे पुट किया है, सबसे पहले आप देखिए यहां पर हम यहां पे W की जगह एप्सिलॉन पुट कर रहे थे, तो मिनिमम लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा ये आ गया, फिर W के अंदर हमने A पुट किया, फिर W के अंदर हमने सिंगल B पुट किया, फिर यहां पे W के अंदर हमने B A पुट किया। ओके, उसके बाद यहां पर A B भी पुट किया, फिर B A B A ये पुट किया, ये सारे क्या है हमारे W है। ओके, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे W, तो ये हमारा हो गया क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। अब इसी के थ्रू हम यहां पे ड्रॉ करते हैं डीएफए, तो यहां पर चलिए हम ड्रॉ करें डीएफए। सबसे पहले क्यू जीरो स्टेट, दैट इज माय इनिशियल स्टेट, क्यू जीरो से हम जाएंगे क्यू वन स्टेट पे, हमें क्या मिलेगा ए, तो क्यू जीरो से हम गए क्यू वन स्टेट पर, हमें मिल गया सिंगल ए। उसके बाद मिनिमम क्या है बी की पावर 4 और बी स्क्वायर, मीन्स हमें 4 टाइम्स बी और चाहिए अभी, तो क्यू वन से हम जा रहे हैं क्यू टू पर, हमें यहां पे मिल गया सिंगल बी, देन Q2 से Q3, यहां पे हमें मिल गया सेकंड बी, उसके बाद Q3 से Q4, यहां पे हमें मिल गया थर्ड बी, Q4 के बाद Q5, यहां पे हमें मिल गया फोर्थ बी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार बी हो गए, उसके बाद बी स्क्वायर, दो बी हमें और चाहिए,
तो Q5 से Q6 पे हमें फर्स्ट भी मिलेगा, उसके बाद Q6 से Q7 पे हमें सेकंड भी मिल जाएगा और हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम इन सबको चेक करते हैं। यहां पे आप देखिए Q0 से A का ट्रांजिशन हो चुका है। B के ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो क्या A के पहले B आ सकता है? नहीं आ सकता। अब देखिए हमारी स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट है? A से स्टार्ट है, तो अगर पहले B आएगा वो कहां चला जाएगा? डेड स्टेट पे, और हमारी स्ट्रिंग वहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे मैं एक डेड स्टेट ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज QD के नाम से। अब इसके पहले अगर B आएगा तो हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, हमने उसको डेड स्टेट भेज दिया। इस A के बाद B ही आना चाहिए, इस A के बाद एक और A नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें बस एक ही A की जरूरत है यहां पर। उस A के बाद B चाहिए, A नहीं चाहिए। तो अगर इस A के बाद अगर दोबारा A आना चाहे तो स्ट्रिंग क्या होगी? रिजेक्ट। तो Q1 पे अगर A आएगा तो स्ट्रिंग को हम डेड स्टेट डाल देते हैं A। देन Q2 पे B का ट्रांजिशन हो चुका है, क्या यहां पे A का ट्रांजिशन पॉसिबल है? नहीं, हमें कंटिन्यू 4 टाइम्स B ही चाहिए। तो अगर यहां पे A आएगा तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, यहां पे A आएगा तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, देन यहां पे अगर A आएगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर Q5, आप देखिए यहां पर हमने स्टार्ट किया था A से, फिर फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, यहां तक आ चुके हम। ठीक है, अब फोर्थ भी के बाद Q5 स्टेट पर आप देखिए फोर्थ बी के बाद क्या आ रहा है? W आ रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहां पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में लिखा था A, B की पावर 4, उसके बाद सिंगल A, फिर B स्क्वायर, मींस Q5 पे अगर इस B के बाद अगर A आना चाहे तो क्या होगा? उसको तो हम डेड स्टेट नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे? यहां पे A का सेल्फ लूप लगा देंगे। अगर A आएगा, सिंगल A आए, डबल A आए, तो वो A A यहां पे आते रहेगा, फिर उसके बाद B B हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर अगर A की जगह अगर B आ रहा है तो क्या होगा? A B की पावर 4, देन B B स्क्वायर, तो A फिर B की पावर 4, फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, अभी हम Q5 पे हैं, उसके बाद सिंगल B, फिर B स्क्वायर, तो सिंगल B से हम गए Q6 पे। अब दो B और चाहिए हमें B स्क्वायर के लिए, तो फर्स्ट B से हम चले गए कहां पे? Q7 पे, एक B और चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहां पे एक सेल्फ लूप लगा देते हैं B का, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद A B की पावर 4, B A B स्क्वायर, इसके लिए हम क्या करेंगे? A B की पावर 4, फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, फिर B A मींस ये वाला W के अंदर हमने पुट किया है B A, तो अभी हम कहां पे हैं? एक बार फिर से चेक कर लूं, A फिर B की पावर 4, फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, अभी हम कहां हैं? Q5 स्टेट पे हैं, फिर से B A चाहिए, तो B अभी हम कहां पे हैं? Q6 पे, अब हमें A चाहिए, तो A के लिए हम क्या करेंगे? A के लिए आप यहां से इसको यहां भेज दीजिए। अब Q6 से B का भी ट्रांजिशन हो चुका है, A का भी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो BA, BA, फिर B, B हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद इसको चेक करते हैं, A B की पावर 4, A फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, हम Q5 पे हैं, देन A B B, अभी हम Q5 पे हैं, फर्स्ट A, फिर B B, उसके बाद B स्क्वायर, फर्स्ट B, सेकंड B, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, देन B A B A A, तो B A B A A के लिए हम चेक करें, तो A B की पावर 4, A फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, अभी हम Q5 पे हैं, फिर B A B A A, B A B A A, फिर B और B, हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, यहां पे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से अगर हमें चेक करना हो A B की पावर 4, देन B A A, देन B, फिर से A और उसके बाद B स्क्वायर, कुछ ऐसा अगर हमें चाहिए, इसको भी हम चेक करते हैं। ये पूरा क्या हो गया मेरा, यहां से यहां तक W, W के अंदर स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, तो फर्स्ट A, देन B की पावर 4, फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, अभी हम Q5 पे हैं, उसके बाद B A, B A A, अगेन Q5 पे, फिर से B A चाहिए, तो B, उसके बाद फिर से A मिला और B स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पे क्या छूट रहा है? यहां पे हमारे पास एक टर्म और छूट रहा है। अब देखिए यहां पर Q7 पे B का ट्रांजिशन हो चुका है, क्या यहां पे A का ट्रांजिशन पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर इस Q7 पे अगर A आए तो उसको भी हम कहां भेज देंगे? यहां पे भेज देंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं चेक करने के लिए, मैं यहां पे लेता हूं A B की पावर 4, देन B B A A B स्क्वायर, इसको हम चेक करें,
ये पूरा क्या हो गया मेरा W, ओके okay? इसको हम चेक करते हैं, ए बी की पावर 4 मींस ए फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी फोर्थ बी अगेन Q5 स्टेट, देन दो बी और चाहिए तो फर्स्ट बी सेकंड बी हम कहा है Q7 पे, ठीक है उसके बाद दो ए चाहिए तो फर्स्ट ए सेकंड ए फिलहाल में बी स्क्वायर बी और बी हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई, ओके okay? तो यहाँ पे आप W के अंदर कोई भी ए और बी की कोई भी आप स्ट्रिंग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमारा फाइनल जो DFA बनेगा वो यही बनेगा। तो इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर यहाँ पे इस बीच में कहीं भी W आ जाए, कई बार क्या होता है पहले आ जाता है, कई बार क्या होता है बाद में आता है, तो उस W को लेके हम स्ट्रिंग किस तरह से बनाएंगे और उस स्ट्रिंग को लेने के बाद हमारा DFA किस तरह से बनेगा, तो वो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर QD की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो डेड स्टेट पे आया था तो डेड स्टेट पे ये छूट रहा था, तो यहाँ पे अगर डेड स्टेट पे हम चले जाएंगे तो A और B एक बार अगर डेड स्टेट पे पहुंच गए तो A आया B आया कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे सारे ट्रांजिशन हो चुके हैं A और B के लिए, कंप्लीट DFA बन चुका है हमारा, यहाँ Q5 पे B का भी हो गया ट्रांजिशन, A का भी हो चुका है, Q6 पे भी B का A का, Q7 पे भी B का हो चुका है A का हो चुका है, यहाँ पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हमारा बन गया कंप्लीट DFA। अब अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हम यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमसे एग्जाम में पूछ देगा तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज 9, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं DFS रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। Thank you.